तो देखो भाई लोग, अगर आप लोग भी अपने किसी पुराने फ़ोन की जो फ्री फायर आईडी है वो किसी न्यू फ़ोन में लॉगिन करना चाहते हो, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है आप लोगों का वो फ़ोन पुराना हो गया है, टूट गया है, या फिर चोरी हो गया, कुछ भी हो गया है, तो अगर आप लोग उस फोन के जो फ्री फायर आईडी अपने फोन में लॉगिन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कि आपकी जो फ्री फायर आईडी है वो किस चीज़ से है, मतलब कि वो गूगल से है, फेसबुक से है। तो उसको चेक करने के लिए आप लोग अपने फ्री फायर को ओपन कर लोगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोगों को स्टेटस में ही दिख जाएगा। अगर आप लोगों का यहाँ पे गूगल बना होगा तो मीन्स आपकी जो आईडी है वो गूगल अकाउंट से है, और अगर यहाँ पे फेसबुक बना होगा तो मीन्स वो आपकी जो अकाउंट है वो फेसबुक अकाउंट से है। बस इतना सा जान लेने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट चीज़ क्या करना है मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे शिवम भाई को सबसे पहले बिग शॉट ऑर्डर है, क्योंकि उन्होंने हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन किया। तो शिवम गेमिंग भाई, आप बिग शॉट ऑर्डर है आपका, थैंक यू हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। और अगर आप लोगों को भी ज्वाइन करना है मेंबरशिप तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप लोगों को हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करने का बेनिफिट के बारे में जानना है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हो। तो जब आप लोगों को वो पता चला है कि आप लोगों का जो आईडी है वो किस चीज़ से है, फेसबुक से है, गूगल से है, बस इतना आप लोग जैसे ही पता कर लोगे उसके बाद आप लोग क्या करना है कि उस जो मेल, अगर आप लोगों का गूगल से है तो उस गूगल का जो है आप लोगों का ईमेल आईडी और जो उसका पासवर्ड है वो पता कर लेना। उतना पता करने के बाद अगर आप लोगों का जो है गूगल से है तो अपना गूगल खोल लेना है, फिर अपने आईडी पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड इन अकाउंट पे क्लिक कर देना है, और वही ईमेल आप लोगों को जो है यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा देर चेकिंग लेगा और उसके बाद ये खुल के आ जाएगा, तो वहाँ पे वही ईमेल आप लोगों को यहाँ पे दे देना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों से पासवर्ड मांगेगा, तो वो पासवर्ड यहाँ पे आप लोगों को दे देना है, सिंपली सा उस आईडी को जो है लॉगिन कर लेना है इस फोन में। आप लोग जैसे ही लॉगिन कर लोगे तो आप लोग अपना फ्री फायर फिर से खोल लेना उस फोन में, इन मोर पे क्लिक करके आप लोगों का गूगल से अकाउंट था साइन इन विद गूगल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों को वाला आईडी खुल के आ जाएगा, जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। तो बस गाइस इसी तरह से आप लोग जो अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं फेसबुक से जिनका आईडी है उनको क्या करना है। तो अगर आप लोग का आईडी फेसबुक से है तो आप लोगों को सब कुछ सेम प्रोसेस करना है, बट क्या करना है, इस बार आप लोगों को गूगल नहीं खोलना है, अपना जिस फोन में आप लोगों को लॉगिन करना है उस आईडी को तो उसमें आप लोगों को फेसबुक खोल लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को थ्री डॉट पे सबसे पहले क्लिक कर देना है। ऊपर में यहाँ पे थ्री डॉट होगा तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे नीचे लॉगआउट का ऑप्शन होगा, तो आप लोग लॉगआउट पे क्लिक कर देना है। लॉगआउट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे लॉगिन इन इनटू अनदर अकाउंट ऐसा होगा, तो आप लोग इस पर क्लिक कर देना है, एंड वो जो आप लोगों का फेसबुक आईडी और पासवर्ड था वो यहाँ पे आप लोगों को दे देना है और लॉगिन कर लेना है, और फिर से आप लोगों को अपना फ्री फायर खोल लेना है, और इस बार आप लोगों को जो है फिर साइन इन विद फेसबुक करना है, तो सिंपली से आप लोगों को जो है वो आईडी लॉगिन हो जाएगा। बस के आज की वीडियो में इतना था, तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना, और हाँ जब आप लोगों को फ्री फायर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझे एक बार आके कमेंट कर देना, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। आप लोग मेरा चैनल भी विजिट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करना, आप लोग उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा।